सुप्रभात छात्रों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक है हमारा कर्म कारकम, यानी कर्म कारक। हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं, तो कर्म कारक में हमने कर्म कारक की परिभाषा पढ़ ली है। इसके अलावा अभितय परितय समया निकसा, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो भी हमने पढ़ लिया है। आज हम सूत्र के माध्यम से कि इस सूत्र के माध्यम से भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सूत्र है आदेशिंग इस्था साम कर्म है, आदेशिंग इस्था साम कर्म है, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह इस्था आस धातुनाम प्रयोगे एषाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। एक बार देखो, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग में अधि उपसर्ग एक है। अधि उपसर्ग पूर्वक यानी अधि उपसर्ग से पहले सिंह इस्था और आस, ये क्या है, धातुएं हैं। सिंह इस्था आस धातुओं के प्रयोग में एषाम आधारस्य, एषाम इनके आधार में, इनके आधार में कर्म संज्ञा होती, यानी कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति, और कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे देखो बेटा, अधिसेते, यहाँ देखो ये उदाहरण है अधिसेते, और इसका अर्थ होता है सोता है। अधिसेते का अर्थ क्या है, सोता है। अधि उपसर्ग पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद है अधितिष्ठति, अधितिष्ठति का अर्थ क्या है, बैठता है। अध्यासते, अध्यासते का अर्थ भी क्या है, बैठता है। अब बेटा देखो, तीनों में अधि अधि अधि, तीनों में अधि अधि उपसर्ग पहले आ गया, इसका मतलब यानी कि अधि उपसर्ग पहले आ गया, यानी कि अधि उपसर्ग पहले सिंह इस्था आस, सिंह इस्था आस, यानी कि ये धातुएं भी आ गई है, अधि सेते सोता है, अधि तिष्ठति बैठता है, और अध्यासते बैठता है, ये धातुएं भी आ गई है। इसका मतलब इसकी कर्म संज्ञा होगी, और इसमें कौन से युक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय युक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यथा जैसे देखो बेटा, उदाहरण के माध्यम से समझो कि मनोजे संयाम अधिसेते, मनोजे संयाम अधिसेते, यानी मनोज सैया पर सोता है। वैसे तो हम अनुवाद कर रहे हैं कि मनोज सैया पर सोता है, लेकिन क्या आ गया अधिसेते। हमने एक सूत्र पढ़ा है कि अधि सिंह इस्थासाम कर्म है, कि अधि सिंह इस्थासाम, यानी कि अधि सिंह जहाँ अधि उपसर्ग पहले सिंह इस्था और आंस धातुओं का प्रयोग होता है, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये अधिसेते आ गया है, तो यहाँ पर संयाम में कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है, और यहाँ पर कौन सा कारक हो गया है, कर्म कारक हो गया। अब बेटा देखो, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम च लिखत, यानी रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखो। तो आपको कैसे लिखना है कि अधि से अधिसेते, अधिसेते योगे संयाम द्वितीय विभक्ति अस्ति, यानी अधिसेते के योग में संयाम जो शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसके बाद है अधितिष्ठति बैठता है, अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, यानी अध्यापक किस पर बैठता है, आसन पर बैठता है। तो अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग पहले तिष्ठति स्था, यानी कि बैठने के, इसका धातु है तिष्ठति, इसका धातु का प्रयोग हो गया, अधि उपसर्ग पहले आ गया, इसका मतलब कौन, यानी कि इसकी कर्म संज्ञा हो गई है, और इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर चाहे कारक चिन्ह कुछ भी आए, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एकवचन में हो गया आसंधि काम, ठीक है। और कारण पूछा जाए तो अधि तिष्ठति, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अधि इस्ता, अधि सिंह इस्तासाम, अधि सिंह इस्तासाम योगे आसंधिकाम शब्दे द्वितीय विभक्ति वर्तते, यानी कि इस सूत्र के माध्यम से इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है अध्यासते, बैठता है, नृप सिंहासनम अध्यासते, यानी कि राजा सिंहासन पर बैठता है, तो इसमें भी सिंह किस पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। और कारण में क्या लिख दोगे, अधि सिंह इस्था सा कर्म। ये सूत्र जरूर याद रखना है बेटा, क्योंकि ये सूत्र जब याद रखोगे आपको तुरंत याद में आ जाएगा, अधि उपसर्ग सिंह इस्था और आस धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह इस्था आस धातु के प्रयोग में आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, और जिसमें कर्म संज्ञा होती है उसमें
आपको मालूम है कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बेटा अगला सूत्र हमारा उपान व ध्यान वस कर्म। उपान व ध्यान वस कर्म यानी उप अधि उप अधि आन आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु प्रयोगे अश्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। यानी उप अधि और आ उपसर्ग से पहले वस धातु प्रयोगे यानी वस धातु के प्रयोग में अश्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति इसके आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और च और कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति यानी कि कर्म में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यथा जैसे देखो उपवसति यानी पास में रहता, उप का अर्थ क्या होता है? पास में, और वसति यानी रहता है। उप उप क्या आ गया है हमारा? उपसर्ग आ गया है। उसके बाद क्या आ रहा है? वसति यानी वस धातु आ गई है देखो इधर। ठीक है ना, उपान व ध्यान वस, उपान व ध्यान वस कर्म, ये सूत्र याद रखना है आपको। ठीक है, उपवसति पास में रहता है और उदाहरण है श्याम नगरम उपवसति यानी कि श्याम जो है वो नगर के पास में रहता है। किसके पास में रहता है? नगर के पास में रहते है, रहता है। तो नगर शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और कारण पूछा जाए तो उपान व ध्यान वस योगे नगरम शब्दे द्वितीय विभक्ति अस्ति। ठीक है, इसके बाद है अनुवसति पीछे रहता है। अनुवसति का अर्थ क्या है? पीछे रहता है। अनु उपसर्ग आ गया है पहले, उसके बाद वस जाते हो वस्ती लट नकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एकवचन अनुवस्ति यानी पीछे रहता है। दिनेश मंदिरम अनुवस्ति, दिनेश कहाँ रहता है? मंदिर के पीछे रहता है। तो यहाँ पर देखो किसके पीछे रहता है? मंदिर के पीछे रहता है। तो यहाँ पर मंदिर में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग किया गया है। अर्थात उपान व ध्यान वस योगे मंदिरम पदे द्वितीय विभक्ति वर्तते। इसके बाद है अधिवसति में रहता है। अधिवसति यानी में रहता है। सुरेशे बांसुरम अधिवस्यति यानी सुरेश कहाँ पर रहता है? बांसुर में रहता है। तो बांसुर शब्द में कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सेम कारण में क्या लिख दोगे? उपान व ध्यान वस योगे, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख दोगे ना कि अधिवसति अधि वस्ते योगे बांसुरम शब्दे द्वितीय विभक्ति वर्तते। सूत्र जरूर याद रखना है आपको। इसके बाद है आवश्यति रहता है। आवश्यति का अर्थ क्या है? रहता है। हरि बैकुंठम आवश्यति, हरि बैकुंठ में रहता है। किसमें रहता है? बैकुंठ में रहता है। तो बैकुंठ शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कारक कौन सा है? कर्म कारक है। उपान व ध्यान वस योगे बैकुंठम शब्दे द्वितीय विभक्ति वर्तते। कारण पूछा जाए, विभक्ति पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अगला सूत्र है जिसमें भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च यानी कि अभी नि उपसर्ग पूर्वक, अभी नि उपसर्ग पूर्वक विश धातो प्रयोगे सति अश्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। यानी अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विश धातु के प्रयोग में अश्य आधारस्य, इसके आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे एग्जाम्पल देखो, अभिनिवेशते इसका अर्थ है कि प्रवेश करता है। अभिनिवेशते का अर्थ क्या है? प्रवेश करता है। देखो छात्र कक्षा अभिनिवेशते, छात्र कक्षा अभिनिवेशते यानी कि छात्र कक्षा में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? कक्षा में प्रवेश करता है। तो कक्षा में हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कारक चिन्ह तो क्या आ रहा है? कक्षा में कारक चिन्ह आ रहा है। फिर हम कक्षा में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी नि उपसर्ग पूर्वक विश धातु का क्या हो गया है? प्रयोग हो गया है। इसलिए हमने इस कक्षा में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसके बाद है अगला नेक्स्ट उदाहरण, रोहन गृहम अभिनिवेशते कि रोहन घर में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? घर में प्रवेश करता है। तो गृहम शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसलिए इसमें कर्म कारक हो गया और द्वितीय विभक्ति हो गई है। इसके अलावा बेटा देखो अगला जो सूत्र है हमारा, काम ध्वनोर यंत्र संयोगे कर्म,
यानी कि कालवाचिनी शब्दे मार्गवाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीय विभक्ति भवति, यानी कालवाची शब्द में और मार्गवाची शब्द में इनका अत्यंत जो संयोग होता है उसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे देखो नरेश अत्र पंच दिनानी पठति, नरेश यहाँ पर कितने दिन तक पढ़ता है, 5 दिन तक पढ़ता है। अब देखो दिनानी शब्द में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि बहुवचन है ना, इसलिए द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया। नरेश अत्र पंच दिनानी क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि इसमें यानी कि काल ध्वनोर काल ध्वनोरंत संयोगे क्रम है, क्योंकि इसमें 5 दिन यानी कि कालवाची शब्द का क्या हो गया है, प्रयोग हो गया है। तो कारण में क्या लिख देंगे, कालवाचनी सत्य पंच दिनानी सत्य द्वितीय विभक्ति वर्तते, ठीक है, क्योंकि इसमें कालवाची शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए इस पंच दिनानी शब्द में हमने कौन से व्यक्ति का प्रयोग कर दिया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। और कारक पूछा जाए तो कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सोहन मासम अधिते, सोहन मासम यानी कि सोहन मास भर क्या करता है अधिते, तो इसमें देखो मासम में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद है अगला उदाहरण नदी क्रोसम कुटिला अस्ति, कि नदी क्रोस कोष भर क्या है, टेडी है। तो यहाँ पर क्रोशम शब्द में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इन दोनों उदाहरणों में कालवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो हमारा तीसरा उदाहरण है इसमें किसका किया गया है, मार्ग का मार्गवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए क्रोशम में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और कारक कौन सा हो गया है, कर्म कारक हो गया है। इसके आगे बेटा और किन किन सूत्रों के माध्यम से हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।